अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप इस वक्त मौजूद हैं द उर्दू इन्फो यूट्यूब चैनल पे। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में आज के दिन होने वाले मैच में इंग्लैंड ने भारत को 31 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय हरीफ को इंग्लैंड ने 337 रन का हिदफ दिया था जो कि वो पूरा ना कर सकी और ये मैच बुरी तरह भारत हार गया। सब्सक्राइब करें द उर्दू इन्फो यूट्यूब चैनल को इन्फो वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के अहम तरीन मैच में आज इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 338 रन का हिदफ दिया था। मेजबान इंग्लैंड ने बर्मिंघम के इजिप्शियन ग्राउंड में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और अपने मुकर्रा 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 337 रन बनाए। इंग्लैंड की जानिब से नहायत ही शानदार सेंचुरी उनके ओपनिंग बैट्समैन जूनी बैरिस्टो ने की और 111 की शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को मजबूत बुनियाद फराहम की। वो मोहम्मद शामी की गेंद पर ऋषभ पिनत के हाथों कैच आउट हुए। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बिन स्टॉक ने 54 गेंदों पर 79 की बरक रफ्तार इनिंग्स खेली और वो जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कैच आउट हुए, जबकि ओपनर जैसन राय 66 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर कैच आउट हुए। दोनों इंग्लिश ओपनर्स ने 160 रन की ओपनिंग शराकत फ्राहम की और जवाहिर रूट 44 रन बनाकर मोहम्मद शामी का शिकार बने, जबकि इंग्लिश कप्तान एवन मॉर्गन सिर्फ 1 रन ही बना सके और वो भी मोहम्मद शामी की गेंद पर केदार यादव के हाथों कैच आउट हुए। विकेट कीपर बैट्समैन जोस बटलर 20 रन बनाकर मोहम्मद शामी की गेंद पर उन्हीं के हाथों कैच हुए और क्रिस वोक 7 रन बनाकर मोहम्मद शामी की गेंद पर रोहित शर्मा को कैच दे बैठे। लियाम प्लैनकेट और एक और जोफ्रा आर्चर कोई रन बनाए बिना नॉट आउट रहे। भारत की जानिब से सबसे कामयाब बॉलर मोहम्मद शामी रहे जिन्होंने अपने 10 मुकर्रा ओवर्स में 69 रन देकर 5 विकेट हासिल की, जबकि जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट अपने नाम की। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मजीद हमारा चैनल द उर्दू इन्फो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।